तो गाइस कभी कभी नहीं क्या गेम प्ले करते करते ऐसे ऐसे बंदे मिल जाते हैं अपने को जो नाम रख लेते हैं भाई फेयर किंग फेयर प्लेयर और बाद में यूज करते हैं भाई आई टू प्ले और गेम प्ले देखे तो आई टू प्ले समझ रहे हो ना। तो मेरे ख्याल से तो आप लोग अभी तक समझे नहीं हो क्योंकि मैंने इतना डिटेल में नहीं बताया आप लोगों को और भाई वीडियो में बने रहो बहुत मज़ा आने वाला गाइस ठीक है ना बंदे की मज़े लेने वाले अपन ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे गेम प्ले करते हैं। ब्रेक टू ब्रेक बहुत ही खास देखने को मिलने वाले आप लोगों को इंसानी गेम प्ले भी देखने को मिलने वाला है और बीच में आप लोगों को ट्रिक शॉट भी देखने को मिलने वाले इनडायरेक्ट शॉट भी देखने को मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ यार बने रहो वीडियो में और अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो गाइस इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अभी मत जाओ भाई वीडियो देखे बाद जाना ठीक है ना गाइस। तो चलो वीडियो वॉच कर लो पूरा क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगी दो दिन के बाद वीडियो अपलोड करो भाई थोड़ा सा तो मेहनत लगती है गाइस क्योंकि अभी आपको पता है भाई क्या हाल हो चुका है भाई कैरमपुर का भाई जो भी गेम प्ले अपने कनेक्ट हो रहे हैं गाइस वो सबके सब भाई आई टू प्ले आ रहे बंदे आ रहे मतलब एक का दुक्कट आ रहा है भाई कोई ना कोई जो फेयर गेम प्ले खेल रहा है और भाई कोई कोई तो भाई बेटम यूज़ करता है कोई कोई लूल बॉक्स भी यूज़ करता है ठीक है ना गाइस। तो ये हो चुका है भाई कैरमपुर का हाल और जिसको नहीं पता है जो नॉर्मल प्लेयर रहते भाई सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं भाई वो तो भाई फेयर गेम प्ले खेलते रहते होंगे ठीक है ना क्योंकि उनको हैक के बारे में पता नहीं रहता है और कुछ पता नहीं रहता है। और गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा छोटे बड़े बुड्ढे सबके सब ही गेम प्ले खेलते रहते हैं कैरम पुल आपको पता होगा या तो फिर रियल कैरम या तो छोटा कैरम या फिर अपना ये कैरम पुल गेमिंग ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोगों को कैसा गाइस जो बुड्ढे रहते लोग मतलब ज्यादा एज वाले उनको इतना खास पता नहीं रहता भाई हैक के बारे में वो फेयर गेम प्ले खेलते रहते हैं ठीक है ना। और भाई जिसको पता रहता मतलब ऐसे नहीं कि सबको नहीं पता रहता बहुत से लोगों को पता रहता पर बहुत से कम लोगों को पता रहता जो ज्यादा एज वाले रहते हैं बच्चों को तो सबको पता है भाई बच्चे के लेके मतलब जवान तक सबको पता है बुड्ढे लोगों को कम पता है। Emotional, damn it! और गाइस ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को पता भी रहता है जो ज्यादा एज वाले रहते बंदे मतलब बूढ़े लोग दादाजी हो गए अंकल जी हो गए ठीक है ना उनको नहीं पता रहता है और जिसको पता रहता है ज़्यादातर तो आप लोगों को तो सबको पता होगा जो आप लोग मेरे रेगुलर वीडियो देखते होंगे। अगर जो ओल्ड प्लेयर कोई मेरा वीडियो देखता होगा मतलब ओल्ड एज वाले उनको भी कुछ लेना देना नहीं रहता है सिर्फ वो गेम प्ले करते हैं टाइम पास के लिए उनके लिए ठीक है ना। और वो छोटे टेबल पर गेम प्ले करते जब बड़े टेबल पर जाते तो उनके साथ क्या होता है गाइस हैकर आ जाते तो उनको भाई बहुत फ्रस्ट्रेशन होता होगा भाई जो कॉइंस वो बनाते होंगे भाई इतनी मेहनत करके छोटा टेबल खेल खेल के और उनको हैक के बारे में इतना खास पता नहीं रहता है और वो समझते हैं बंदा फिनिश करके कैसा चले गया क्योंकि उनको नॉलेज नहीं रहता है अभी इसके बारे में। वैसे नहीं कि सबको नहीं रहता है बहुत कम लोग को रहता है उनके बारे में ठीक है ना। तो अभी जो जो बच्चे लोग हैं उनको तो बहुत पता रहता है और मेरे को तो यार आपको पता है भाई मैं यूट्यूबर हूँ तो मेरे को सब चीज़ के बारे में पता होगा और आप मेरे व्यूवर्स हो रेगुलर वीडियो देखते होंगे कैरमपुल के तो आपको तो 100% पता होगा भाई। गाइस यार कुछ भी बोलो पर आप लोग बहुत होशियार हो यार मतलब आपको पहले पता चल जाता है अभी कौन सा हैक आया कौन सा नहीं कौन सा प्रीमियम मिल रहा है कौन सा फ्री में मिल रहा है कौन सा हैक अभी बैन होगा कौन सा हैक अभी चल रहा है मतलब मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता रहता है अभी ये सही बात कर रहा हूँ गाइस ठीक है ना क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ भाई ऐसे नहीं है कि कमेंट आप लोगों के छोड़ देता हूँ जो भी आप लोग कमेंट करते हो ना पूरे के पूरे मैं रीड करता हूँ ठीक है ना। तो आप लोग ऐसा मत समझो भाई मुझे कुछ पता नहीं भाई आप कौन से कमेंट करते हो क्या करते हो तो मुझे सब पता है भाई आप बहुत होशियार हो यार मैं क्या बोलूँ मतलब आप बहुत चालबाज आदमी हो ठीक है ना सब हैक के बारे में पता रहता आप लोगों को और भाई खेलते भी रहते हो हैक से मुझे पता है भाई झूठ मत बोल रहा यार। और गाइस मुझे पता है आप में से बहुत से लोग हैक यूज़ करते हो भाई ठीक है ना क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो भाई नाजिम भाई मैं तो आई टू प्ले हैक यूज़ करता हूँ मैं लूल बॉक्स यूज़ करता हूँ मैं तो बेटेम यूज़ करता हूँ और भाई क्यों करते हो वो तो आपको पता है भाई क्योंकि सामने वाले बंदे हैक यूज़ कर रहे हो तो आप लोग भी यूज़ कर रहे हो उसमें कोई बुराई नहीं पर आपका जो गेम है भाई वो ख़राब करके ले ले रहे हो आप ठीक है ना ये बात बता रहा हूँ आप लोगों को। जब आप फेयर गेम प्ले खेलने लगे होंगे ना तो आपका गेम अच्छा नहीं चलेगा सिंपल कॉइन भी आप लोग मिस करोगे ठीक है ना। और वैसे भी ये आई टू प्ले पे डिफेंड हो चुका है पूरा गेम प्ले हैकर पे ठीक है ना फेयर गेम प्ले बहुत कम हो चुकी है फेयर प्लेयर। और भाई यहाँ पे देखो भाई सामने वाला बंदा खुद बोल रहा है भाई अभी आई टू प्ले हूँ यार मैं तो ये बात तो सही है भाई देखो खुद ही अपने सब्सक्राइबर भाई है और बोलते हैं भाई मैं आई टू प्लेयर हूँ अभी देखो क्या बोलते हैं भाई वो मजबूरी में यूज़ करना पड़ता है भाई अभी रुको गाइस आप लोग पता चलेगा अभी बोलते हैं वो ठीक है ना। तो टॉप राइड में मैं इसको खेल लेता हूँ फिर बाद में जो कॉइन्स अपने एक साथ दो कॉइन पड़ जाते हैं पर यहाँ पे थोड़ा सा कॉइन डिफिकल्ट है मेरे पर यहाँ पे देखो गाइस जो तीन कॉइन मेरे फंसे हुए हैं सिर्फ एक शॉट से निकालूंगा देखो क्रॉस टॉप राइड में कनेक्शन मार लेता हूँ और यहाँ पे जो तीनों कॉइन रहते हैं वो निकाल लेता हूँ सिर्फ एक कॉइन डिफिकल्ट है और यहाँ पे देखो मजबूरी में लेना पड़ता है कॉइन लॉस बहुत है इसलिए बात तो सही है। और भाई बात तो 100% मतलब 100% सही है
कि भाई अभी सबके सब लोग हैक यूज़ कर रहे हैं, भाई मेरे कॉइन्स इतने सारे लॉस हो रहे गाइस, मतलब मेरे पास 10,000 कॉइन थे, अब 7,000 बाकी है, मतलब 7 करोड़ कॉइन्स बाकी है। मतलब आप लोग देखो भाई, गेम अच्छा होते साथ ही मेरे जो कॉइन्स है किस तरह से लॉस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग समझ लो भाई, जो नॉर्मल प्लेयर रहता है उसके कॉइन्स कितने लॉस होते होंगे, तो ये थोड़े से सोचने वाली बात भी गाइस। और यहाँ पे अपना सब्सक्राइबर भाई रहता है तो मुझे टर्न दे देता है और भाई मुझे विन करने देता है। तो यहाँ पे चलो भाई, अब इनका वीडियो भी अपलोड कर लिया मैंने। यहाँ पे अभी शॉर्ट वीडियो देखो किस तरह से खेलता हूँ मैं। तो पहले तो रिवॉल्व शॉट खेलता हूँ और लास्ट वाली कॉइन देखना किस तरह से फंसती है मेरी और उसको मैं किस तरह से निकालता हूँ, वो मिस मत करना गाइस, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जो भाई फेयर किंग है, ठीक है ना। अच्छा, हमको सिखा रहा है। और गाइस यहाँ पे देखो अब किस तरह से मैं इस गेम को विन करूँगा। पहले तो रेड वाली क्वीन ऊपर से पोर्ट कर लेता हूँ मैं और इसके बाद तो दिखाने वाले आप लोगों को हैकर के साथ गेम प्ले। अब देखो मेरी एक कॉइन फंसी हुई है, मैं तो निकालने की ट्राई करता हूँ इससे भी, पर इससे कुछ नहीं होता, इससे भी थोड़ा ट्राई करता हूँ पर यहाँ पे स्टैगर भी साइड से चले जाता भी। अब यहाँ पे जो कॉइन है मेरे ऊपर की बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको बम शॉट बनाता हूँ और जो अपने ऊपर की कॉइन है इसको हटा के यहाँ पे जो कॉइन से अपनी पोर्ट कर लेता हूँ। और गाइस लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई आ चुके हैं आप लोगों के सामने भाई फेयर किंग प्लेयर। तो अब इसका गेम प्ले देखना आप लोगों ने। अब यहाँ पे देखो भाई क्या बात है, क्या शॉट मारा गाइस। अभी हाँ रुक जाओ, देखो देखो जरा रुको जरा, यहाँ पे फेयर किंग देखो किस तरह से गेम प्ले कर रहा है भाई, क्या बात है क्या बात है। अभी फिर से देखो, अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ भाई फेयर किंग, अच्छा तो देखो यहाँ पे मतलब फेयर किंग है तू नूप। ये बढ़िया था गुरु। और ये बंदा क्या सोच के भाई अपना नाम भी फेयर किंग लगता है भाई, समझ भी नहीं आता मुझे। मतलब खुद से आप हाथ से अपनी बेइज्जती करवाना भाई, मतलब खुद ही भाई फेयर किंग करके नाम रख रहा है अपने आईडी का और बाद में यूज़ कर रहा भाई हैक। फिर यहाँ से मैं बोलता हूँ भाई फेयर किंग, भाई ये काय का फेयर किंग है भाई, समझ में नहीं आ रहा मुझे। यहाँ पे इमोजी की मुझे डाल के हंसने का इमोजी डाल के उसको मजे ले लेता होगा इस, मतलब यार कुछ भी करना है यार, मतलब अपने आईडी का कुछ भी नाम रख देना। मेरे ख्याल से इसके आईडी का नाम क्या होना चाहिए गाइस, बोलो क्या, आइटो प्लेयर किंग। और भाई फेयर प्लेयर के लेके जाते हैं कॉइंस और डालते अपने पिछवाड़े में। क्या बात है, थैंक्स। तो चलो गाइस मस्ती मजाक हो चुकी है, अब थोड़ा सा गेम प्ले पे फोकस करते हैं। गेम प्ले आप लोगों के लिए बहुत अच्छा डाला था मैंने और भाई गेम प्ले पे इतना फोकस नहीं था अपना, तो चलो आप गेम लास्ट दो गेम बचे तो उस पर थोड़ा सा गेम प्ले फोकस करते हैं। फिलहाल तो मैं टॉप फ्राइड में इसको मार लेता हूँ। अभी यहाँ पे जो कॉइन्स है आप लोग देखो भाई, अभी बहुत ही हार्ड आप लोगों को शॉट देखने मिलने वाला। अभी देखो सभी के सभी जो कॉइन्स मेरे ब्लॉक हो चुके हैं, तो पहले यहाँ पे मैं देखता हूँ पहले प्यारा से कनेक्शन मार लूँ। टॉप फ्राइड में बहुत ही अच्छा कनेक्शन जाने वाला है, आप लोग देख सकते हो अभी फिलहाल। तो टॉप फ्राइड में बहुत ही आराम से खेल लेता हूँ मैं, यहाँ पे कनेक्शन चले जाता है और भी जो कॉइन की पोजीशन है थोड़ी सी ओपन हो जाती है, पर इतनी भी खास ओपन नहीं होती है क्योंकि रेड वाली कॉइन भाई जाके फंस चुकी है भाई, मैंने थोड़ा सा श्योर हो जाएंगे पर यहाँ पे फंस जाती है। फिर से एक किशोर खेलता हूँ बहुत ही प्यारा, आप लोग ये गेम पसंद आ रहा हो तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और यहाँ पे भी इस वाली कॉइन को भी कट मारता हूँ, रेड वाली कॉइन को देखता हूँ अभी निकाल लेगा पर कुछ फ़ायदा नहीं होता है, टॉप फ्राइड वाली भी कॉइन निकलती नहीं है। तो यहाँ पे रिक्स उठा के भाई पहले तो मैं इसको मार लेता हूँ। अब यहाँ पे जो रिक्स है पूरा के पूरा टॉप फ्राइड भी पड़ा हुआ है अपना, तो यहाँ पे ट्रिपल कनेक्शन शॉट खेलना पड़ेगा मुझे बॉटम राइट में पोर्ट करने के लिए, ठीक है ना अपनी कॉइन्स। तो यहाँ पे देखो ट्रिपल कनेक्शन शॉट खेलने वाला हूँ टॉप फ्राइड में, बहुत पसंद आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो देखो किस तरह से खेलता हूँ मैं शॉट को, तो चलो गाइस मारता हूँ इसको, हिट करता हूँ टॉप राइट में और बहुत ही प्यारा ये कनेक्शन शॉट जा चुके हैं, ट्रिपल कनेक्शन शॉट। लास्ट वाली कॉइन बचती है, लास्ट वाली कॉइन को ऊपर से इजीली पोर्ट कर लूँगा मैं और भाई ये गेम इजीली विन कर चुका हूँ। तो लाइक तो बनता है गाइस इस गेम प्ले के लिए, तो चलो भाई लाइक कर दो अभी जाके वीडियो को और भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मुझे। तो चलो चलते हैं भाई नेक्स्ट गेम प्ले पे। अब यहाँ पे देखो किस तरह से अभी ब्रेक तो लगा लिया हूँ मैंने, अभी 3 कॉइन शिवर है मुझे, तो पहले टॉप राइट में इसको खेल लूँगा और टॉप लेफ्ट में भी एक कॉइन पोर्ट हो जाती है, मतलब बॉटम लेफ्ट में। और यहाँ पे टॉप लेफ्ट में इसको भी एक कॉइन को पोर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखो गाइस अभी और 3 कॉइन शिवर है मुझे रेड वाली क्वीन मिला के, तो पहले कनेक्शन मार लेता हूँ इसको टॉप राइट में और इसको मारे बाद रेड वाली क्वीन थोड़ी सी अच्छी जगह पे, तो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गाइस जो शिवर कॉइन से मिलिए टॉप लेफ्ट में इसको पहले पोर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो ये वाली कॉइन दिख रही है आप लोगों ऊपर में, तो उसको भी थोड़ा सा आराम से खेल लूँगा। और भी जो अपने 2 कॉइन्स फंसे हुए, मतलब एक ही फंसे हुए, वैसे कनेक्शन जा रहा है पर कनेक्शन ही मारेंगे अपन, ज़्यादा रिक्सी शॉट नहीं खेलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि भाई शिवर है तो भाई पहले शिवर खेल लो उसको। जैसे कि आप लोगों ने देखा गाइस यहाँ पे जो मेरी कॉइन्स थे किस तरह से फंसे हुए थे, पर तुम्हारे भाई ने भी कोई भी कॉइन्स को निकालने की ज़रूरत नहीं रखा क्योंकि भाई कनेक्शन शॉट खेल खेल के भाई जो कॉइन्स फंसे हुए थे वो निकाल लिया हूँ। और यहाँ पे गेम नहीं है कि बहुत ही क्लासिक फिनिश हुआ है और यहाँ पे नेक्स्ट गेम प्ले पे आ भी चुके अपन। तो यहाँ पे देखना यहाँ पे ब्रेक लगाता हूँ मैं और कॉइन पोर्ट नहीं होती है, तो फिलहाल देखो यहाँ पे ये भी अपने मेरे ख्याल से सब्सक्राइबर भाई रहते हैं। और यहाँ पे देखो किस तरह से अभी गेम चलता है हमारा, तो यहाँ पे भाई छोड़ देते हैं गेम को और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम बोलते, तो मैं यहाँ पे पहले वालेकुम अस्सलाम बोल देता हूँ भाई को, ठीक है ना।
तो चलो गाइस यहाँ पे आप देखो क्या करता हूँ मैं, तो टॉप लेफ्ट में इसको मारता हूँ, जो कॉइंस अपने बीच में थोड़े से निकल जाए शायद, पर इतने खास कुछ फ़ायदा नहीं होता, पर मेरे पास दो कॉइंस थे निकालने के लिए, तो पहले इस वाली कॉइन से निकाल लेता हूँ टॉप रैंडम पोर्ट करके, और जो कॉइन से अच्छी तरह से तीन कॉइन निकलते हैं, पर दो कॉइन अपने ओपनेंट के बॉटम में जाके फंस जाते हैं। और भाई चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैं बोलता हूँ भाई हाँ भाई ठीक हूँ मस्त, मैंने बोला ये भाई पूछ रहे थे कैसे, मैं बोलता मस्त। और यहाँ पे भी क्या करता हूँ इसको टॉप लेफ्ट में कट मार लेता हूँ, जो बीच में जो कॉइन्स है वो भी निकाल लेता हूँ, और इतने खास कॉइन नहीं रिलीज हो रहे थे, पर गाइस अपने यहाँ पे एक एक का डुक्का ही कॉइन अच्छी तरह से श्योर थी अपने को। अब यहाँ पे जो सफेद वाली कॉइन है टॉप राइट में अपने ओपोनेंट की, उसको भी थोड़ा सा हटाना है मुझे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस खेल लेता हूँ इसको, पर वहाँ पे जो कॉइन्स रहती है अपने ओपोनेंट की सफेद वाली वो नहीं हटती है। और यहाँ पे एक टॉप लेफ्ट में रेड वाली कॉइन को पोर्ट करता हूँ, इसके मदद से निकालने की ट्राई करता हूँ टॉप राइट वाली कॉइन, तो फिर भी कॉइन वो रिलीज नहीं होती, पर एक कॉइन है मेरे पास। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोलता हूँ हर एक कॉइन से निकालने की कोशिश करना है जो कॉइन फंसी हुई अपनी, तो भाई बोलते हैं आईडी मतलब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना भाई, ज़रूर कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं एक रिबाउंड शॉट खेल लेता हूँ टॉप लैप में, तो इजीली मैं इसको पोर्ट कर लेता हूँ, लास्ट वाली दो कॉइन बचते हैं, तो मैं इसको टॉप राइट में पोर्ट करके भी लास्ट वाली कॉइन को पोर्ट करके ये गेम को विन कर लेता हूँ। और भाई यहाँ पे गेम प्ले भी अपना ख़त्म हो जाता है गाइस। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिली जाएंगी, और भी अच्छा सा एक कमेंट कर लो भी गेम प्ले कैसा लगा आज का। तो कल एक और वीडियो के साथ मिलता हूँ, तो चलो अभी के लिए बाय गाइस।